ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ कि ये जन्नतनुमा टाउन जो है वो ज़मीन पे किन लोगों ने आज आबाद किया है और प्रोफेसर्स को इल्म और तालीम और दीन की खिदमत करने वालों को साइंस टेक्नोलॉजी का सहारा बनने वालों को इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाने वाले असातिज़ा जो हैं जिन्होंने अपनी जवानियाँ जो है जामिया पंजाब को दी हैं उन जामिया पंजाब के असातिज़ा के लिए उनके स्टाफ के लिए उनके बाकी जो मेम्बर्स हैं जो वहाँ रहे हैं उनके लिए कौन सा जहान आबाद किया है। आपको भी मुर्गे की आवाज़ आई होगी, ये मुर्गे ये मोर ये जो कुछ हमने देखा है आज हम आपको दिखाते हैं और आप एंजॉय करेंगे कि फारूक भट्टी ने अपना आज ब्लॉग कैसा बनाया है। तो आ जाए बच्चों का पार्क हो, बंदा सोचता है ये कौन सी जगह है और हैरानकुन बात है ये बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे बड़ा एक जमहूरी कल्चर है, हर साल इलेक्शन होते हैं और लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में माहौल बनाते हैं सर। वाह वाह, प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर आपको सब यहाँ नज़र आएंगे। ये पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन वन ब्लॉक ए का हमने विजिट किया है अभी और आपने देखा है कितनी खूबसूरत जो आबादी है और इसकी बुनियाद मैं ये समझता हूँ वो कश्मकश वो जमहूरी स्ट्रगल है जो यहाँ एक इंतखाबी सूरत में सामने आती है। और आमने सामने ये ईदी रोड है अब्दुस्तार ईदी के नाम का, अब्दुस्तार ईदी से जितनी मोहब्बत है उसका शायद मज़र है कि पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने फैसला साज थे उन्होंने यहाँ पर बाकायदा से इस सड़क का नाम रख दिया है अब्दुस्तार ईदी रोड। और यहाँ आपको नज़र आ रहा है इलेक्शन में एक तो मुझे फ्रेंड्स ग्रुप नज़र आ रहा है जलील तारक प्रोफेसर सुहेल अकरम साहब का और दूसरा ग्रुप भी देखते हैं यकीनन ये एक जमहूरी रवायात का तसलसल है इसमें बैठे हैं लोग और क्यादत कर रहे हैं। अच्छा ये गोल चक्कर भी दिखाएंगे जी हमें चौधरी साहब अपने। हाँ जी ये आपको बिल्कुल किसी भी बड़ी सोसाइटी सोशली स्पिरिचुअली आपको लगेगा कि ये कोई नई दुनिया है पाकिस्तान। और ये मैं आपको बताऊं ऑक्सफोर्ड को और हार्वर्ड को और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को ये सहूलत हासिल नहीं है कि उनके एम्प्लॉज जो है उनकी सोसाइटियाँ मौजूद हों। ये खूबसूरत टंकी जो है इसको आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन में ये टंकी जो है जो मेम्बर्स हैं यूनिवर्सिटी टाउन के रहने वाले उनको 24/7 जो है पानी फराहम करती है। बेशुमार सोसाइटियाँ लाहौर में लेकिन इस सोसाइटी ने अपना हुसन दिखाया है और हुसन कैसे दिखाया है कि ये है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, यानी इन्होंने सोलर लगाया है और इस सोलर के सर पे इन्होंने बिजली तो अपनी जगह बचाई है लेकिन साथ में मौसम भी खुशगवार बनाया है। वाह जी वाह, ये पार्क सिर्फ टाउन वन के मेम्बरार और उनके अहले खाना के लिए मुख्तस है। वाह खूबसूरत है भी, और पार्क तो पार्क की तरह ही है, लगता है जैसे कोई बड़ा ही कोई यूरोप आ गया बंदा यार है, कमाल है। इस तरफ वॉक करें, ये वॉक का एरिया है, इधर वॉक करें, यहाँ से चलें। उफ अल्लाह शानदार, अभी मेल्ट डाउन के बाद मैंने यहाँ देखा है कि ये बारीक रेत जो है इसका बनाया हुआ है जॉगिंग ट्रैक। वाह, और ये 400 मीटर यहाँ इसलिए लिखा है कि 2-3 दफ़ा आप जरा चक्कर लगा लें तो आपको पता चल जाए कि आपने 1200 कर लिया है, आपने 1600 कर लिया है और आपने उस हिसाब से करना है। और यूजली ये होता है कि ये जहाँ सोलर लगता है उसकी जगह बस नीचे से पारग हो जाती है लेकिन इन्होंने सोलर के नीचे भी एक जन्नत आबाद की है। जिम है, ये स्ट्रेच एक्सरसाइजेज के लिए इंतज़ाम है। मुझे ये लग रहा है ये पंजाब यूनिवर्सिटी
टाउन नहीं है, ये कोई यूरोप अमेरिका की कोई बस्ती है। और परिंदे भी इतना शौक से यहाँ चहचहाते हैं, वो देखिए ज़रा, हुदहुद, बुलबुल। ये आप इंडोर जिम देखते हैं तो ये आउटडोर भी देखें, यानी ऑक्सीजन का पूरा वॉल्यूम। और ओहो, ये कौन बोला है? अल्लाह रे, ये क्या है? जू, बर्ड्स, वहाँ ऊपर घर भी बना हुआ है। और क्या नाम है तुम्हारा, है क्या नाम है, किस नाम से पुकारूँ? गुड्डू, ये गुड्डू और वो गुड्डो, ये करते हैं। अच्छा, यहाँ कमाल है भी, कहाँ से आए हो? ये मुझे लगा है वो जो बड़ा मशहूर होता है लक्का कबूतर, उस तरह का। कबूतरों के भी अपने कमाल आते हैं। अच्छा, यहाँ आ गए हैं ऑस्ट्रेलियन चिड़ियाँ, इनको ऑस्ट्रेलियन तोते भी कहते हैं, लव बर्ड्स भी कहते हैं, और ये मोहब्बत ही करते रहते हैं हर वक्त। जब भी मैं देखता हूँ वो, ये नीचे भी एक बर्ड है, ये पता नहीं कोई मुर्गी नहीं है, लेकिन ये मोर की कोई नस्ल है। वाजिबा, और इन कितनी मोहब्बत में रहते हैं आपस में, सुभान अल्लाह। लो जी, खरगोश साहब को देखें। मेरे भाई ने खरगोश पाला था, उस खरगोश ने बड़ा ही तंग किया था, जोड़ी थी, गंद बड़ा फैलाते थे। ये फीजेंट है, और ये भी कुछ शहजादी है, ये खूबसूरत। मुझे नहीं लगता ये कोई हम किसी हाउसिंग सोसाइटी में फिर रहे, ये तो लगता है इनकी हाउसिंग सोसाइटी है। ये प्यारे प्यारे खूबसूरत घर इनके बड़े अच्छे बने हैं, को बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है। अल्लाह, ये तो लगता है एक बुढ़िया है, ये जो ब्लैक है, और वो बुढ़िया अपने बच्चों को साथ लेके फिर रही है, घूम रही है। वाह जी वाह, आ जाओ ज़रा बाहर, आओ मेरे पास आओ, बातें कर लो। काकी इधर आ, नहीं आती जी, ये मेरे पास नहीं आती। पता चला है कि ये पार्क जो है एक ख़ास वक्त है जिसके बाद सिर्फ लेडीज़ के लिए महदूद कर दिया जाता है, बच्चे और लेडीज़ आती हैं शाम में, सारा दिन जो है यहाँ आ जा सकते हैं ये फैमिली है। लेकिन ख़वातीन के लिए एक वक्त में मखसूस है, और जो फिटनेस है उसका पूरा इंतज़ाम है। अब फिट रहें, जवान रहें, और ज़िंदगी को एंजॉय करें। बच्चा एक खेल रहा है, देखते हैं ये क्या कर रहा है। आपको शायद इस बच्चे का पता है या नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। हाँ, क्या कर रहे हो हैं फहद, क्या नाम है आपका? फहद हो? हाँ, डरते तो नहीं मुझसे? मुझसे तो नहीं डरते ना? ये बच्चा मुझसे नहीं डरता जी, वैसे बच्चे अक्सर मुझसे नहीं डरते, वो सोचते हैं कि वो दादा बू आ गए हैं। लो, एक और बच्चा भी है, झूले भी हैं, वाह। पींगे, पींगों के ऊपर बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, बाकी बातें हम फिर करते हैं। आपने मंजर देख लिया है, ये मंजर आपको कहीं नहीं मिलेगा, लगता नहीं कोई हाउसिंग सोसाइटी है। हाँ जी, हमें ये नज़र आए हैं एक माली, क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम सही है। सही साहब, क्या हाल है? हमने यहाँ गुले दाऊदी देखा है, कलगा देखा है, गुलाब देखा है, कौन कौन से फूल लगा दिए आपने? गुलाब लगाया, कलगा लगाया, डेलिया लगाया। हाँ, तो आपको शौक है या मजबूरी है कोई? नहीं जी, शौक नाल काम होता है, मजबूरी तो नहीं ना। अच्छा, तो यहाँ सुना है कि आपने बूटे दूसरे भी लगाए हैं जो फल देते हैं, फूलों के अलावा भी? तीनों के लगाए हैं सर, मौसमी के लगाए हैं। अच्छा, मौसमी भी है और आम भी है। चौंसा है? चौंसा है। अच्छा, असली काला चौंसा या चिट्टा चौंसा? असली चौंसा, वाह जी वाह। ये आपको, ये मंजर भी आपको कम ही कहीं दिखाई देगा। मुझे आपका, आपको मेरा साया नज़र आ रहा होगा, मैं बैठा हूँ और बैठ के मैं बना रहा हूँ। लेकिन ये सईद साहब जो है ना, सईद साहब इस कौम के मौसम है। इन्होंने वो देखें पीछे, कंक्रीट के शहर में इन्होंने आबाद किया है एक नया जहां। सलामत रहें सईद साहब, थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैरत होती है, लोगों ने जाल लगाए होते हैं, परिंदे पकड़ते हैं, फिर पकड़ के बेचते हैं, और बेच कर लोगों को कहते हैं सवाब होगा। लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ परिंदे खुद उड़ उड़ के आते हैं। आपने देखा है अभी है, ये हुदहुद और बुलबुल, और पता नहीं क्या, मुझे नाम तो नहीं आते, लेकिन इन्होंने रौनक लगाई हुई है, डरते डरते किसी से नहीं है। करीब से बिल्ली भी गुजर जाए ना, बिल्ली डर जाती है, ये परिंदे नहीं डरते। वाह जी वाह, कमाल हुआ है। अच्छा, देसी, अगर आप सोशल विजडम, हमारा लोकल विजडम देखना चाहते हैं ना, तो आप हैरान रह जाएंगे। इसका पता नहीं बोटैनिकल नाम क्या है, लेकिन हमारे लोग इसको कलगा कहते हैं। कलगा इसलिए कहते हैं कि वो जो कलगी होती है मुर्गी के सर पे, उस तरह का है।
वैसे मेरा जी चाहता है इसका नाम मैं रखूं रेशमी रुमाल आंदा तेरे लई। ये कुर्सियां रखी जा रही हैं, अभी यहाँ पे ये कुर्सियां बिछा दी जाएंगी। तकरीबन 50 कुर्सियां रखी जाती हैं और यहाँ एक खातून आती है जो वॉक करने वाली बच्चियाँ होती हैं, इधर उधर से वॉक करके आके यहाँ बैठ जाती हैं और उसके बाद दरसे कुरान होता है। कुरान फहमी का ऐसा खूबसूरत मंजर जो है ना, आपको कम कम ही देखने में मिलेगा। शौक़ भी बड़ा है बच्चियों को, बच्चियाँ जानना चाहती हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहदीस हैं उनमें उनके लिए क्या हदायत है। इस दौर में जबकि लोग दुनिया को ही मरकज़ और महवर बना के बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह सलामत रखे सबको। मैंने आर्किटेक्ट ढूंढना है कि इसका आर्किटेक्ट कौन है। इतना खूबसूरत काम करते हैं कि बड़ी बोर सी जो एक एनवायरनमेंट लग रही होती बज़ाहिर, उसमें इतने रंग भर देते हैं। ये इन्होंने लॉग्स काटे हैं और बनाया, कमाल किया है। किसी वक्त में जो वाइस चांसलर थे लेफ्टिनेंट जनरल अरशद महमूद, ये उन्होंने 25 दिसंबर 2022 को इसका इफ्तिताह किया है। ये बड़ा शुरू के दिनों में जब फौजी जो हैं वो बनना शुरू हुए थे वाइस चांसलर्स, ये उस दौर की एक यादगार चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। ये है डाइवर्सिटी, या आपको रात होता भी नज़र आ रहा है गानी वाला, आहा कुकुक 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 कहते हैं, काट लेता है। मैंने उंगली आगे की है, ये काट लेगा। और ये देखिए नीचे, ये अपना घर बना रही है, क्या कर रही है, अल्लाह रे इनके काम देखे। लाइफ इतनी ज़बरदस्त लाइफ इनको दी हुई है। ये अपना अपना इनको समझने के लिए ना, आपका अगर आप परिंदों से मोहब्बत करते हैं वो हो सकती वजह, या आप खुद परिंदे हों। अल्लाह रे ये क्या बैठा हुआ है जी, कमाल चीज़ है। ओहो आपने कुछ कहा मुझे, ये तोता मुझसे बातें करना चाहता है, करो भाई क्या कहते हो, कुक कुक रात होते। हाँ बड़ा चल लिया यार, बड़ी प्यास लग गई है। सुना है ये फिशर के कूलर लगाए गए और कमाल है भी कूलर। पहले पानी थोड़ा देखते हैं, पानी पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ यूजली नहीं आ रहा होता। ओहो ओहो ओ तेरा बेड़ा ही दर्ज है। और ये फिल्टर्ड वाटर है, अगर आपको पानी पीना चाहे और आपको ग्लास की ज़रूरत ना हो तो ये ग्लास के बगैर भी पानी पिया जा सके। वो देखें बर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मंज़र देखने को निगाहें तरस जाती हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और यूनिवर्सिटी टाउन के इस ग्राउंड में वो खेल रहे हैं फुटबॉल। और देखें अभी मज़ा आएगा, शॉट लगाता है बच्चा तो पता चलेगा। टैंकी के पास मंजर में है, ये देखते हैं। चलिए सिटी में सबसे मज़े की बात यह है कि जो प्लॉट खाली पड़े हैं और जिनके ऊपर अभी तक तमीर नहीं की प्रोफेसर हजरात ने, उसको सोसाइटी ने एक पार्क की शक्ल दे दी। यानी ना गंद कहीं नज़र आएगा, ना शॉपर उड़ता हुआ नज़र आएगा, ना कोई इस तरह का मसला होगा, बल्कि ऐसे आपको लगेगा लश ग्रीन एरियाज़ हैं। और ये बुनियादी तौर पे वो प्लॉट हैं जो अभी खाली पड़े हैं और जिन पे प्रोफेसर्स ने मेंबर्स ने आने वाले वक्त में घर बनाना है। क्या खूबसूरत आइडिया है, क्या खूबसूरत आइडिया है। इस वक्त क्या टेम्परेचर है आप जानना चाहते हैं तो रुकिए, आपको नज़र आ रहा है ये 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। टाइम है वेलकम टू वाह 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 जनरल काउंसिल मीटिंग, आगे लगता है कोई मीटिंग आ रही है, उसका वेलकम लगा हुआ है। चलिए आपको देखें नीचे गाइड मैप है पूरा, ब्लॉक ए में हम एंटर हुए हैं। स्टोरी आपको नज़र आ रही है कामयाबियों की, कामरानियों की, और सुकून एहतराम और मोहब्बत की। चलते जाइए। ये ए ब्लॉक में एंटर हुए हैं ना, तो इसमें एंटर होते ही राइट साइड पर आपको बच्चों का पार्क नज़र आएगा। ये भी बज़ाहिर तो एक मुसल्लस है लेकिन ये पूरा दिल है। इसमें एक जो राउंड है वो 200 मीटर वॉक का है, बच्चे ख़वातीन और यहाँ पर भी ज़िंदगी उसी तरह आबाद है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, आप सोच रहे होंगे ये आम सा पार्क है, तो आम सी जगह है और पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, वाइस चांसलर का क्या तल्लुक बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स से। लेकिन ये लोग
गजा के साथ। अगर आपको नहीं नज़र आया तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लो जी जनरेटर भी लगा हुआ है, पहल का है, और वो देखें गजा। गजा को जानना चाहते हैं तो यहाँ से ले। वाह, सुकून सुकून चैन आएगा। वाह 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 वाह, बहुत ही। आपको किसी टाउन में इस तरह फिरते खुल्लम खुल्ला मोर, हुदहुद, कबूतर, तोते ये नज़र आ रहा है, ये नहीं मिलेंगे। और ये चार सफ़ेद हैं, ये पता नहीं साथ। अच्छा, बर्ड्स भी इनके साथ अपने अटकलियाँ करने आ जाते हैं। अच्छा, कभी कभार लड़ते भी हैं। ये हुदहुद है, इसको लगता है कि उसने दाना चुनना है। अच्छा, ये वो दाने चुन रहे हैं जो आपको बज़ाहिर नज़र भी नहीं आएंगे। अल्लाह का निज़ाम है जी। और ये इस सोसाइटी को ये आज़ाद हासिल है कि इसकी सड़कों पे इस तरह के मंजर पाए जाते हैं। वाह जी वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन जिंदाबाद। ये सुकून, ये आराम, ये खामोशी, ये मोहब्बत, ये मेहनत। अभी आपने कलगा फूल देखा था, कलगी फूल के कलगा फूल, और ये जो आपको नज़र आ रहा है एक मुर्गा, उसका कलगा देखने वाला है। चले मैं आपको कलगा दिखाता हूँ। अगर वो भागना गया मुझसे, वो डर जाते हैं मुझसे, वो देखते हैं ये कौन आ गया है। आह हा, कलगा आपने देखा था, कलगा भी देखे। वाह जी वाह, मुर्गियाँ भी है अभी, मजे कर रहे हैं ये लोग। कब्रिस्तान का सोलर सिस्टम आपको शायद नज़र आ रहा हो, इस सोलर सिस्टम से चलता है ट्यूबवेल और बासियों को मिलता है ताज़ा पानी। वाह जी वाह, आपको नज़र आ रहा होगा ये अमरूद का दरख्त है सामने, आड़ू है, लीमू है, और देखने को ये एक मुकम्मल बाग है। कब्रिस्तान के कब्र के बारे में ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग होगा या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। तो हमारे दोस्तों ने यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी कब्रिस्तान को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया है। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनको दुनिया और आखरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। एक कब्रिस्तान में एंट्रेंस पर लगा हुआ सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम की बुनियाद पे आपको आप हैरान होंगे कि जो यहाँ मुकामी लोग हैं उनको यहाँ ये ट्यूबवेल है, इस ट्यूबवेल से पानी, ट्यूबवेल चलता है इस सोलर सिस्टम की बुनियाद पे और पानी मिलता है लोगों को। वाह जी वाह, कमाल अस्त। और ये जनरेटर भी अजाफी रखा हुआ है, और यकीनन ये 200 केवीए का है जनरेटर। जनरेटर, सोलर सिस्टम और ट्यूबवेल, और ये आबादी, मुझे पानी ही पानी। वाह जी वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन जिंदाबाद।